तो मित्रों इन संदर्भों में भी, क्योंकि उस बालक को, उस बालक की मानसिकता को, उस बालक के अभाव को, उस माँ की पीड़ा को, जो कुदाल की हर छाप पर जो है उसको बार बार अपना वो बच्चा याद आ रहा है कि उसको भूख लग गई होगी, लेकिन भूख लगने के साथ साथ फिर उसको ये भी याद आ रहा है कि जो हमारी चौक में बंधी हुई गाय है उसको प्यास लग गई होगी, उसके साथ साथ उसको ये भी याद आ रहा होगा कि जो पानी, जहाँ बिल्कुल पानी नहीं था, पनघट में बिल्कुल पानी नहीं था, उस कतार में लगा हुआ उसका वो जो बंठा है, गागर है, वो सुबह से खाली होगी, उसको कौन भरेगा। लेकिन फिर सबको समेट कर फिर उसका लक्ष्य ये है कि एक बार ये खेत, जो गुड़ाई वाला खेत है, ये पूरा हो जाए। तो कई कई संदर्भ हैं, कई कई प्रसंग हैं जो अलग अलग संदर्भों में इस रूप में आते हैं। फेसबुक की आपने बात की, जो जिस तरह का कार्य कर रहा है उसको आप प्रश्न चिन्हित कर सकते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं, उसकी मानसिकता को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं आप। और उसकी मानसिकता को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी मानसिकता को क्यों प्रदूषित कर रहे हैं कि लक्ष्य प्रेरित वाण हैं हम, ठहरने का काम कैसा, गंतव्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। मित्रों जिसको हमने लक्ष्य मान लिया है, जिसको हमने जीवन मान लिया है, जिसको हमने प्राण मान लिया है, तो लेखन पार्ट टाइम नहीं होता, अंशकालिक नहीं होता है। और जहां अंशकालिक है वहां जुड़ाव भी नहीं है, वहां प्रभाव भी नहीं है। लेखक का कार्य, अभी हमारे चमोली जी कह रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि वो भी कार्य होना चाहिए, लेकिन अच्छा हो कि फैक्ट्री, जो कारखाना है, जो मिल है, वो कपड़े का निर्माण प्रारंभ करे, मार्केटिंग की व्यवस्था दूसरी हो, वितरण की व्यवस्था दूसरी हो, और उसके प्रचार प्रसार की व्यवस्था दूसरी हो। अगर लेखक ही रचना से लेकर प्रकाशन से लेकर, और मित्रों रचना का सृजन जो है, रचना का जो सृजन है, चिंतन है, वो भी एक बेटी के लालन पालन की तरह है। एक बीज रूप में एक विचार हमारे मस्तिष्क में कभी कभी घंटों, कभी कभी सप्ताहों, कभी कभी महीनों और कभी कभी वर्षों भी घूमता उमड़ता रहता है, और जब तक वो परिपक्व नहीं होता तब तक वो नासूर फूटता नहीं है। लेकिन जिस क्षण वो रचना जन्म लेती है, और जन्म लेने से पत्रिका में जब प्रकाशित होती है, तो जन्म लेने से प्रकाशन तक का उसका जो संस्कार है, पल्लवन पुष्पंत का संस्कार है, वो उसका पालन लालन पालन है। और जिस क्षण वो पत्रिका में, पत्र में, समाचार पत्र में प्रकाशित होती है, वो रचना का पाणी ग्रहण संस्कार है। और जब रचना का पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है तब वो पिता की नहीं रहती, पिता का नाम रहता है, रचना पराई हो जाती है। और उसको वो कितना नाम करती है, कितना बदनाम करती है, ये अब रचना के मूल्य पर, रचना के जीवन पर, रचना के चरित्र पर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं पहुँचना चाहिए, पहुँचने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अच्छा हो लेखन, लेखक लिखने का काम करें, पाठक पढ़वाने का काम करें, विद्यार्थी उसको रटने का काम करें, और जो प्रचार प्रसार के माध्यम हैं, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति यहाँ से वहाँ तक का ठेका ले लेगा तो मुझे लग रहा है कि वो कहीं भी न्याय नहीं कर पाएगा। तालमेल होना चाहिए, लेकिन अपने अपने संदर्भों में, जहाँ जहाँ जिस रूप में हम दे सकते हैं बाल साहित्य में, क्योंकि एक प्रदेश का बाल साहित्य दूसरे प्रदेश के बाल साहित्य से सांस्कृतिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, सामाजिक आधार पर भिन्न होता है। और प्रयास होना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर जब हमारा निकलता है तो वहाँ हमारी भाषा, आज जिस भाषा की हम बात कर रहे हैं, फेसबुक में आपके इस एसएमएस ने, आने वाला समय हमारा अंग्रेजी का रहेगा,
न हमारा हिंदी का रहेगा, न हमारा गढ़वाली का रहेगा, न कुमाऊनी का रहेगा। ये सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा संकट है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी भाषाओं में अपने उस लोक को, लोक की बोली को, लोक के व्याकरण को, लोक की शब्दावली को भी लाने का प्रयास करें, क्योंकि वो वहाँ का एक परिचय है, एक प्रतिबिंब है, एक स्मृति है। तो मित्रों, क्योंकि जो हमारा बचपन है वो केवल बाल साहित्यकार का बचपन नहीं है, किसी भी साहित्यकार का बचपन, यदि बाल साहित्य को वो दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो उस साहित्यकार के जीवन का जो बचपन है वो सुरक्षित रहता है अंत तक। और जब भी ऐसा कोई प्रसंग जुड़ता है, जब भी ऐसी कोई बात आती है, तो उसे अपना बचपन, हमारे मेवाड़ी जी ने अपनी पुस्तक में उस बचपन को, उस पहाड़ को, मेरी यादों का पहाड़, क्या जीवंत रूप में लिखा है। और जब जब हम उनको पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा निष्ठुर प्राण हो इस दुनिया में जो उसको पढ़ते हुए, जिसको उसका बचपन वापस याद ना आए। तो आवश्यकता इस बात की है कि जहाँ जहाँ जिन संदर्भों में हम अपनी बात कह सकते हैं उसको कहना चाहिए, उसको लिखना चाहिए।